मैं डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन वैज्ञानिक डी मौसम केंद्र भोपाल। प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश की कुछ जगहों पर बारिश और थंडरस्टॉर्म दर्ज किया है। वेस्ट एमपी में फेयरली वाइड स्प्रेड बारिश हुआ, 27 डिस्ट्रिक्ट से थंडरस्टॉर्म दर्ज किया है। सबसे अधिकतम बारिश हुआ है सीहोर में, 109 मिलीमीटर हुआ है। 3 स्टेशन से हेवी रेनफॉल रिपोर्ट है। और ईस्ट एमपी में देखा गया तो स्कैटर्ड रेनफॉल हुआ था, 19 डिस्ट्रिक्ट्स में थंडरस्टॉर्म दर्ज किया है। और सबसे अधिकतम बारिश दर्ज किया है मंडला में, 66.4 हेवी रेनफॉल है। अभी के सिस्टम के बारे में देखा गया तो मानसून ट्रफ अभी मध्य प्रदेश के सेंट्रल रीजन से पास हो रहे हैं, जैसे जैसलमेर, भीलवाड़ा, वहाँ से रायसेन, देन राजनांदगांव ऐसे जा रही है। तो मोस्टली सेंट्रल मध्य प्रदेश के ऊपर से अभी मानसून ट्रफ एक्टिव है। और ये दूसरा एक मेजर साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ गुजरात में है, वो 1.5 किलोमीटर तक परसिस्टिंग है। और कल जो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में एक साइसर था वो भी ट्रफ के साथ मर्ज हो गया 1.5 किलोमीटर में। तो इस स्थितियों के अनुसार हमने अभी फोरकास्ट और चेतावनी दिया है आने वाले 5 दिन के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आज के लिए देखा गया तो ज़्यादातर एक्टिविटी साउथ वेस्ट रीजन में रहने का चांसेस है, जैसे बड़वानी, खरगोन ये रीजन में, और धार, इंदौर, देवास ये रीजन में भी फ्यू टू मेनी प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है। और हेवी रेनफॉल का वार्निंग मेनली साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में दिया है, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर ये रीजन में, थार, अलीराजपुर और झाबुआ रीजन में आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस है। और साउथ ईस्ट एमपी में भी जैसे छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट, मंडला ये रीजन में भी आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस है आज के लिए। और कल का स्थिति देखा गया तो कल ये डिस्ट्रीब्यूशन और थोड़ा बढ़ रहे हैं साउथ वेस्ट रीजन में, जैसे धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर ये रीजन में मेनी प्लेसेस में बारिश का चांसेस है। और नॉर्थ ईस्ट साइड में छतरपुर, पन्ना ये डिस्ट्रिक्ट में भी मेनी टू मोस्ट प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है। और थंडरस्टॉर्म वार्निंग हमने सारे डिस्ट्रिक्ट में दिया है। और हेवी रेनफॉल का वार्निंग मेनली नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में छतरपुर और पन्ना, और सदर्न डिस्ट्रिक्ट में छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट, पांडुर्ना ये रीजन में, और साउथ वेस्ट एमपी का रतलम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा ये रीजन में आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस है। डे 3 में देखा गया तो 11 तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ ईस्ट एमपी में बढ़ रहे हैं, और नॉर्थ एमपी में भी जैसे ग्वालियर, चंबल रीजन में भी मेनी टू मोस्ट प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है। बाकी रीजन में आइसोलेटेड टू फ्यू प्लेसेस में बारिश का चांसेस है। और हेवी रेनफॉल वार्निंग भी बेसिकली ग्वालियर, चंबल रीजन में और नॉर्थ ईस्ट एमपी का छतरपुर, पन्ना, सतना, दमोह, कटनी ये रीजन में आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस है 11 तारीख को। 12 तारीख को भी मतलब देखा गया तो ग्वालियर, चंबल का कुछ डिस्ट्रिक्ट में जैसे भिंड, ग्वालियर, दतिया ये रीजन में मोस्ट प्लेसेस में बारिश होने का चांस है। साथ साथ हमने हेवी रेनफॉल वार्निंग भी दिया है। और साउथ ईस्ट एमपी का शिवनी, बालाघाट ये रीजन में भी मेनी टू मोस्ट प्लेसेस में बारिश का चांसेस है, वहाँ पे आइसोलेटेड रेनफॉल का भी चांसेस है 12 तारीख को। और 13 तारीख में डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रही है साउथ वेस्ट एमपी में कुछ डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हरदा, खंडवा और बुरहानपुर ये रीजन में मेनी प्लेसेस में बारिश का चांसेस है, बाकी सारे रीजन में आइसोलेटेड टू फ्यू प्लेसेस में बारिश का चांसेस है। और हेवी रेनफॉल वार्निंग उस दिन के लिए देखा गया तो ये बुरहानपुर, खंडवा, हरदा और शिवनी, मंडला, बालाघाट ये रीजन में आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल 6 सेंटीमीटर से 11.5 सेंटीमीटर तक बारिश होने का चांसेस है।